अयोध्या में राम मंदिर के साथ अयोध्या का विकास कार्य तेजी के साथ चल रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को यात्री सुविधाओं और भौतिक सुख सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के उच्चीकरण का प्रथम चरण का काम लगभग पूरा हो गया है, जिसका निरीक्षण आज नॉर्दर्न रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने किया। नॉर्दर्न रेलवे के महाप्रबंधक ने बाराबंकी से अयोध्या, अयोध्या से जौनपुर तक रेलवे लाइन दोहरीकरण का भी निरीक्षण किया है और तय समय सीमा के अंदर काम पूरा हो सके इसके लिए कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण और यात्रियों की भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर के जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के प्रथम चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसे दिसंबर से फरवरी 2023 के बीच में रेलवे यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। देखिए, जो ओरिजिनल प्लान था वही ओरिजिनल प्लान के हिसाब से ही हम लोग कार्य कर रहे हैं और अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो इसमें जो पुराना जो स्वरूप जो डिसाइड किया गया था, जो अप्रूव्ड प्लान है, उसके हिसाब से ही कार्य होगा। इसमें ये जो आर्किटेक्ट हैं, जो इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड हैं, राइट्स जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो, और हम लोग निरंतर समीक्षा करके और रेलवे बोर्ड का अप्रूवल लेके इन सब चीज़ों का निर्णय करते हैं। अभी कुछ चीज़ें डिसाइड हो गई हैं, कुछ चीज़ें अंडर डिसीजन है, लेकिन ये सब जो प्लान था उसके अनुरूप ही होगा। आगामी दिनों में श्रद्धालु बढ़ेंगे, ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा राम अयोध्या धाम स्टेशन, अयोध्या टैंक स्टेशन का भी और कोई चेंज होना है? देखिए, अभी हमारा फेज़ वन का कार्य चल रहा है और फेज़ वन में कार्य लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसमें केवल एक अप्रोच रोड का कार्य बाकी है, जो जिसके लिए हमें कुछ लैंड चाहिए। उसके लिए हमारी राज्य सरकार से कल बात हुई थी और आज फिर हमारी चर्चा है। वो अप्रोच रोड एक बार बन जाएगी तो आने जाने के रास्ते सुगम हो जाएंगे। उसके अलावा जो सेकंड एंट्री बनेगी एडिशनल प्लेटफॉर्म बनने के बाद, उसके लिए भी नजूल और प्राइवेट लैंड का एक्विजिशन करना है। हम लोग राज्य सरकार के साथ संपर्क में हैं और उनसे हमें बहुत सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। आज की मीटिंग में उस विषय पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इसके साथ इससे जो है, ये अयोध्या स्टेशन पर जो हमारा विस्तार है वो हो जाएगा। अयोध्या स्टेशन हम मुख्यतया यात्री सुविधा के लिए बना रहे हैं। मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ की स्पेस हम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे फिर हमारी यात्री सुविधाएँ जो है उसके लिए स्पेस की कमी पड़ जाएगी। तो मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ और दूसरी जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो हम लोग अयोध्या कैंट स्टेशन पर ही रखेंगे। वहाँ पे उनमें विस्तार कर रहे हैं मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ में, जिससे ज़्यादा ट्रेन वहाँ से चलाई जा सके, और स्टेशन पे भी जन सुविधाओं का सुधार कर रहे हैं, जिससे यात्रियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए वहाँ से भी वो लोग आके मंदिर दर्शन के लिए आ सकें।